तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज में हम पढ़ाए थे कि ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जो डू नॉट हैव काइरल कार्बन तो जिनमें नहीं है, बट एज ए होल द कंपाउंड इज काइरल। पूरा का पूरा कंपाउंड जो है वो काइरल है, लेकिन काइरल कार्बन उसके अंदर नहीं। ये टॉपिक आपके साथ में हम शेयर करते हैं। पहला पढ़ा था हमारे पास में नंबर वन जो पढ़ा था वो तो पढ़ा था आपको याद हो कि डेरिवेटिव ऑफ एनी क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स। फॉर एग्जाम्पल एनी याद आ रहा होगा आपको, ये एक दूसरे कंपाउंड जो एज ए होल कंपाउंड इज काइरल होता है वो तो डेरिवेटिव ऑफ बाइफिनाइल। दो बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ दिया जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ बाइफिनाइल। डेरिवेटिव ऑफ बाइफिनाइल का मतलब है दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ते हैं। अब इसमें दो कंडीशंस होनी चाहिए तब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। एक शुड नॉट हैव वर्टिकल सिमेट्री। क्या मतलब, दोनों रिंग को आप ऐसे बना लें ऐसे, इसको देखें तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं इस बात को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये लें तो नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है सर। क्यों नहीं है, कैरी वर्टिकल सिमेट्री। वो एक अलग बात है कि कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर सकता इस तरह से, लेकिन सीधी बात है कि ये इसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि इसको हम क्या माने ऑप्टिकली एक्टिव माने। दूसरी बात क्या है, एट ऑर्थो पोजिशन इन बोथ रिंग, ऑर्थो पोजिशन में दोनों रिंग बल्कि ग्रुप शुड बी प्रेजेंट। बल्कि
फॉर एग्जाम्पल कुछ भी बना सकते हैं जो आपका बनता है। ये हमने दो चीजों को दिस इज ऑप्टिकल के क्यों होता है वो दिखाते हैं आपको, क्या मतलब है इसका, क्या कहना चाह रहे हैं इस पर वो आपको दिखाते हैं। हमने यहां हमारा जो R&D डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसके थ्रू एक यहां पे डिस्प्ले आपके लिए बनाने की कोशिश की गई। अब देखिए आप इस समय हम ये दो एच नहीं लगे हुए यहां पर, आप समझ सकते हैं ग्रुप लगाने तो इसलिए एच नहीं लगाए। ये हमारे पास में दो व्यंजन है, एक तो बाइक फ्लाइट का सी और सी के बीच में ये सिंगल बॉन्ड हमारे पास में आया होगा, देखिए दिखाई दे रहा होगा ऐसे यू। अब हम इसे सी और सी के बीच में फ्रीली रोटेट कराते ऐसे, तो अब देखिए इस समय जो कंडीशन आई ये बेंजीन तो एक प्लेन में लाई कर रही है और ये बेंजीन इस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती है, तो देखिए ऐसे यस। इस तरह की अगर कोई स्ट्रक्चर लाई करती है तो सर्टेनली इट वुड बी ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब अगर हम प्लेन बेंजीन लेते हैं तो वो तो हम हर समय ऐसे लेते हैं या ऐसे भी है तो थोड़ी देर बाद में रोटेट करेगी, रोटावर्स हो जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि ये फ्रीली रोटेट ना हो, तो हमने क्या करा एक बल की दूर इसकी ऑर्थोपोजिशन पे लगा, ये इसका अर्थ ये बल की दूर इसकी ऑर्थोपोजिशन। वैसे तो कुछ सी डब्ल्यू एच बनाने की ये है, सी डब्ल्यू ओ एच आप कुछ भी बन सकते हैं, और एक और बल की दूर हमने इसकी ऑर्थोपोजिशन पे लगा दी ये सब ये और। आप देख रहे हैं कि ये अगर हम एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो ये तो एक दूसरे से लड़ पड़े, देखिए स्टेरिकली हिंडर्ड पोजीशन है, तो ये दोनों बेंजीनिंग एक पोजीशन में लाई नहीं करेंगे, ये कब लाई करेंगी, ये इस तरह से लाई करेंगी यहां ये स्टेप होगा ये रोटेशन के बाद। अब इस तरह से मॉलिक्यूल लाइफ एग्जिस्ट करेगा इन होल, आप देख रहे हैं एक बेंजीनिंग तो लाई कर रही है इस प्लेन और एक दूसरी बेंजीन इंप्लाई कर रही है इस तरह से, देखिए ये सब स्ट्रक्चर आपके पास। अब ये ऐसे ही नहीं लाना अपने आप में मुश्किल काम है, क्यों, क्योंकि बहुत जबरदस्त स्टेरिक रोटेशन है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें ट्रेमेंडस स्टेरिक रोटेशन होता है और उनकी वजह से वो अपने रोटावर्स में एग्जिस्ट कर जाते हैं। रोटावर्स कई बार बच्चे पूछते हैं साहब कंट्रावर्स और रोटावर्स में क्या अंतर है, हम लोग नॉर्मली इस क्वेश्चन को टाल देते हैं। रोटामर्स तब लागू होता है टर्म जब यानी एट्रोपाइसोमर्स भी कहते हैं, ये तब लागू करता है व्हेन एनर्जी ऑफ रोटेशन इज वेरी हाई टू कंफर्मेशनल आइसोमर्स टू कंफर्मेशन है इंडिविजुअल इंडिविजुअलिटी भी कह सकते हैं, मतलब अलग से उनकी वैल्यू बनती है अपने आपको। अब ऐसे ही केस में आप समझ सकते हैं दो, अब जैसे ही वर्टिकल सिमेट्री ना आए तो हम इसमें एक ग्रुप और लगा देते हैं, वैसे तो ये दोनों ग्रुप ही डिफरेंट हमने लगाए यहां पर, फिर भी एक ग्रुप और लगा देते हैं आपके पास में। जब ये ग्रुप और लग जाता है आपके पास में यहां पे आप देखें ये सात बेंजीन ये हमने इसकी ऑर्थो में कहीं भी लगा सकते हैं जहां आपका मन करे, ऐसा जरूरी नहीं कि आप ऑर्थो पोजिशन पे ही लगाए, किसी भी जगह पे आप इस ग्रुप को लगा सकते हैं।
ये जो स्टेट, हालांकि आज तक आईटी में इस तरह का क्वेश्चन आपके पास में नहीं आया है, लेकिन फिर भी आपको टॉपिक क्लियर हो जाए। अब ये कंपाउंड जो है ना जैसे ऑप्टिकली एक्टिव, क्यों ऑप्टिकली एक्टिव आपकी समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसमें वर्टिकल सिमेट्री भी नहीं है और ये कभी भी ऐसे लाइन नहीं करेगा। आपने कहा साहब ऐसे लाइन कर जाए तो हमने इसीलिए तो ऑर्थो में एक बल्कि ग्रुप और लगाया, और फिर उसके बाद में अगर ऐसे भी लाइन करेगा तो वर्टिकल सिमेट्री ऐसे ही आती है, इसलिए तो इसको इसलिए रखा। तो जब आपको दो बल्कि ग्रुप लगे मिले तो आप समझ सकते हैं ये दो बेंजीन एक दो ये इस तरह से लाइन करेंगे, तो आप इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी बना सकते हैं, आपका मन करेंगे ऐसे बना। ये तो एक प्लेन में लाइन करेंगे और ये दूसरी रिंग दूसरे ऐसे ऐसे, ये एक यू है और एक यू, यू गेटिंग द पॉइंट।